नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पामा है 29 ईयर्स एक लेडी का। इनके जब इनके 25 ईयर्स एज थी, उससे पहले इनकी शादी हो चुकी थी। 25 ईयर्स एज में इनकी डाइवोर्स हो गई, उसके बाद फिर से इनकी शादी हुई और अभी इनकी प्रेजेंट ईयर एज जो है 29 है। और इस करीब आते इनके रिलेशनशिप में फिर से इशू आ रही है। इनको ऑलरेडी एक 11th मंथ के बच्चे भी है और वहाँ पे फिर से आके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रही है। तो इनके पाम के हम लोग पहले फुल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग इनके रिलेशनशिप, इनके करियर क्या हो सकती है, करियर अभी तक नहीं बना है तो करियर किस तरीके से बन सकती है, किस तरीके का करियर इनके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंस कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ की हम लोग बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल पाम की एनालिसिस से। ओवरऑल पाम कैसी है? नैरो टाइप के पाम है। नैरो टाइप के पाम कैसे होते हैं? जो पाम बहुत ही ज़्यादा पतली लंबी और मांस बिल्कुल ना हो, उस तरीके का पाम को हम लोग नैरो टाइप के पाम कहते हैं। इस पाम की स्पेशलिटी क्या रहती है? ऐसे पाम वाले इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव सोच इनमें आ नहीं पाती है। उसके कारण इनके ज़िंदगी में प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा कम होती है, जो भी मिलती है बहुत छोट कम ही मिलती है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही इनके ज़रूरतों को चीज़ों का ये लोग जुटा पाते हैं। जो अपने रेगुलर मतलब ज़रूरत के चीज़ होते हैं उसको भी जुटाने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इन लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच भी आते रहते हैं हमेशा। ये पाम की मेन खासियत रहती है। जो पाम बहुत ज़्यादा पतली हो, बहुत ज़्यादा लंबी हो, मांस बिल्कुल ना हो, तो वो सारी चीज़ पाम को हम लोग नैरो टाइप के पाम कहते हैं। थंब कैसी है इनके? थंब लंबी है, लेकिन इस थंब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो ये लॉजिक पार्ट में मांस कम है, इसके कारण क्या होगी, ये जो प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग तो ये अच्छी तरह से कर पाएंगे क्योंकि लॉजिक पार्ट काफ़ी लंबी है तो, लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना या प्लानिंग को सक्सेस करना, ये अगर यहाँ पे मांस कम हो जाता है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके ऊपर ये अपने हितों का भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसका रेमेडी ये है कि एक चांदी का छल्ला बनाइए और यहाँ पे पहन लीजिए, उससे आपकी थंब काफ़ी मजबूत हो जाएगी और लोग आपको मानने भी लगेंगे थोड़ी बहुत। विल पावर बड़ी है, ऐसे लोग मेहनती भी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत भी कर पाते हैं, फील्ड वर्क भी अच्छे कर पाते हैं। इंडेक्स फिंगर देखेंगे, क्रॉक है, इंडेक्स फिंगर अगर क्रॉक हो, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। सटन की फिंगर ठीक ठाक है, सन की फिंगर भी ठीक ठाक लेंथ में है, छोटी फिंगर हल्की सी छोटी पड़ गई है और सन के थर्ड फ्लेंस तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी सिचुएशन बनते हैं तो कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है। बड़े किसी पोस्ट पर बैठे हुए लोगों से बातें करने में इन लोगों को थोड़ी बहुत झिझकपन होती है, नई कोई लोगों से बातें करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, पब्लिक परफॉर्मेंस में भी ऐसे लोग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये सारे खासियत है इनके फिंगर में। फिंगर की और एक खासियत है इनके, जो इनके रिलेशनशिप की इश्यूज आ रही है उसके उससे जुड़ के हैं। अगर आप इनके सेकेंड फैलेंज को देखेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिंगर के सेकेंड फैलेंज जो होती है ये वाली पार्ट, ये रिलेशनशिप की जगह होती है। हर एक फिंगर की जो सेकेंड फैलेंज होते हैं वो रिलेशनशिप की जगह होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर साइन बन रही है। क्या साइन? ग्रिल साइन। ग्रिल साइन कैसी होती है? जब बहुत सारी खड़ी लाइन आपको दिखे और उसके पैरेलल आपको पैरेलल लाइन भी दिखे, जो ये सारे साइन को कटता हुआ दिखे, लंबी लंबी लाइन को कटती हुई दिखे। देखिए बहुत सारे विंडो विंडो आपको लगेगा, घर का जैसे खिड़की रहती है उस तरीके का साइन बनाती है, इसे ग्रिल साइन कहते हैं। तो इस तरीके का अगर ग्रिल साइन बनती है तो वो ख़राब इंडिकेशन होती है। और इनके जो ख़राब साइन ये बन रही है, ये बन रही है इनके सेकेंड फैलेंज पे, जो रिलेशनशिप की जगह है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हमें इनके फिंगर के सेटिंग से ही पता चल रही है कि हाँ, इनके रिलेशनशिप में इश्यूज ज़रूर होंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एनालिसिस पे, और क्या क्या खासियत है इस पाम में। पहले माउंट की एनालिसिस कर लेते हैं। मर्करी माउंट कैसी है? मर्करी माउंट इनकी अच्छी है। बाहर की तरफ इस तरीके से धकलते हुए अगर मर्करी माउंट दिखे, अगर लेडीज़ के पाम में स्पेशलिटी, तो ऐसे लेडीज़ काफ़ी बिजनेस माइंडेड होते हैं, ऐसे में लेडीज़ काफ़ी अच्छी तरह से बिजनेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से बाहर की तरफ जाती हुई मर्करी माउंट ये दिखाती है कि आपके पाम में मर्करी काफ़ी पावरफुल है। ऐसे तो हर एक माउंट ही दबी है, हर एक माउंट में पावर कम लग रही है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी बहुत मर्करी माउंट में हम लोग को पावर दिख रही है। तो बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस आप कर सकते हैं, उसी की इंडिकेशन दिख रही है। उसके ऊपर यहाँ से एक मर्करी की लाइन भी निकल रही है, तो मर्करी लाइन होना, दूसरी पाम में चलते हैं वहाँ से क्लियर दिखेगी। तो मर्करी की लाइन होना, क्लियर मर्करी लाइन होना, छोटी है लेकिन क्लियर है, तो मर्करी लाइन होना, मर्करी माउंट को इस तरीके से बाहर की तरफ जाना, ये इंडिकेशन कर रही है कि आपके मर्करी काफ़ी अच्छी है, तो आपके लिए बिजनेस ही सबसे बढ़िया करियर रहेगी। आगे चलेंगे किस तरीके का बिजनेस हो बाद में हम लोग देखेंगे। सन माउंट दबी है
और बहुत सारा कोई लकी साइन नहीं दिख रही है, लेकिन एक छोटी सी हमें ट्रायंगल यहाँ पे दिख रही है। तो ट्रायंगल साइन सन माउंट में हो तो अच्छी रहती है, ऐसे लोगों को फेम भी मिलती है, पैसे भी कमा पाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है आपके बहुत सारे नेगेटिव साइन में से एक पॉजिटिव साइन हम लोगों को मिल रही है। यहाँ पे ये फेम वाली फिश साइन भी आधा अधूरा बना हुआ है, ये अगर कंप्लीट बनते हैं तो आपके कामकाज दूर दूर तक फैलेगा और बहुत दूर दूर तक आपका फेम ज़रूर मिलेगा आपको। ये बहुत ही अच्छी और लकी साइन होती है फेम के मामले में, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फेम मिलती है। लेकिन ये साइन अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए अभी कंप्लीट होना पड़ेगा। जिस तरीके से ये ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से कंप्लीट होती है अगर, तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगा। इस तरीके का कोई ना कोई आप काम ज़रूर करेंगे जिसकी आपकी फेम बहुत दूर दूर तक ज़रूर फैलेगा। सनलाइन भी बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर सनलाइन नहीं है, हल्की हल्की सनलाइन है छोटी छोटी, जो आपको लेटर एज में काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे पाएगी। लेटर एज मतलब आफ्टर 50 आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे पाएगी, अभी ये कोई बेनिफिट आपको नहीं दे पाएगी। सनलाइन से दो लाइन मार्केट की तरफ दिख रही है, तो बिजनेस में सक्सेस मिलने के ये इंडिकेशन दिखाती है। सन की ओर से अगर मार्केट की तरफ लाइन जाए या फिर मार्केट के तरफ से सन की तरफ लाइन आए, तो ऐसे लोगों को ये होती है कि बिज़नेस के द्वारा इनको काफ़ी फेम मिलती है, काफ़ी सक्सेस मिलती है। तो बिज़नेस ओरिएंटेड पाम ही आपकी दिख रही है हर एक जगह से। यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, ऐसे ट्रायंगल वाले अपने एसेट ज़रूर बना पाते हैं, और ये ट्रायंगल मिलके स्क्वायर साइन भी बना रही है, तो खुद के एसेट तो आप ज़रूर बना पाएंगे, उसकी इंडिकेशन क्लियरली यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। बाद में चलेंगे, देखेंगे कौन सी एज में होगी और लाइफ लाइन से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। सटन माउंट दबी है, खड़ी लाइन भी एक दिख रही है, तो धन के मामले में ये थोड़ी बेनिफिट ज़रूर आपको दिलाएगी। और रेगुलर जो एक्सपेंसेस होती है वो भी आप इजीली इनकम या फिर जुगाड़ ज़रूर कर पाएंगे, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। जुपिटर माउंट कैसी है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा उभरी हुई दिख रही है और यहाँ पे हल्की सी दबी हुई, ये एक और एक नेगेटिव साइन होती है। इस तरीके का जुपिटर माउंट रिलेशनशिप में इश्यूज़ दिलाती है, प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। तो यहाँ से भी हम लोगों को मिल रही है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ है। एग्रेसिव मार्स क्या है, बहुत ज़्यादा उभरी हुई है। एग्रेसिव मार्स अगर बहुत ज़्यादा उभरी हुई हो तो ऐसे लोग मार्केटिंग का आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, फील्ड में काम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। जॉब अगर ढूंढते हैं तो ऐसे लोग जनरली पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केटिंग में, सेल्स में, ये सारी चीज़ों में ऐसे लोग काम करते हैं, उसमें इनको काफ़ी सक्सेस भी मिलती है। तो बिज़नेस करेंगे उसके साथ मार्केटिंग वाला बिज़नेस ही कीजिएगा, ट्रेडिंग बिज़नेस, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। वीनस माउंट बहुत ही ज़्यादा वीक है, बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। मेल के पाम में अगर इस तरीके का छोटी वीनस दिखे तो ऐसे लोगों को जनरली फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। लेकिन अगर लेडीज़ के पाम में हो तो ऐसे लेडीज़ के बेड कम्फर्ट को थोड़ी बहुत कम मिलती है। बहुत ज़्यादा साथ सिंगार के भी इन लोगों को शौक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी नहीं होते हैं ऐसे लेडीज़ जिन लोगों के वीनस माउंट बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। लग्जरी लाइन बिल्कुल नहीं है, कोई भी लग्जरी लाइन हम लोग को यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो पाम बिल्कुल क्लियर है। खड़ी लाइन बहुत सारी है, खड़ी लाइन अगर हो तो आप मेहनत करेंगे तो उस हिसाब से आपको अच्छी रिजल्ट भी मिलेगा। तो मेहनत अगर करते हैं पैसे कमाने के लिए उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी खड़ी लाइन है। मून माउंट कैसी है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक प्लेन मून माउंट दिख रही है और लाइफ लाइन की ब्रांचेस भी मून माउंट में आ रही है। तो ये इंडिकेशन करती है कि अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाएंगे तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल पाएगी। आपकी ट्रैवल की लाइन भी ये दिखा रही है कि ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, ट्रैवल से भी आपको सक्सेस मिलेगी। दूर देश, दूर शहर में भी आपकी ट्रैवल की इंडिकेशन इस तरीके का बड़ा सा लाइफ लाइन की ब्रांच हम लोग को इंडिकेशन दिखा रही है। तो ये रही आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी लाइन की देख लेते हैं, आपकी हार्ट लाइन कैसी है। आपकी हार्ट लाइन यहाँ से जाके यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे चेन्नुमा फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, आखिर में एक ब्रांच जाके माइंड लाइन में मिल रही है। ये पहली नेगेटिव साइन है, माइंड लाइन से अगर ब्रांच निकल के माइंड लाइन में मिलती है ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज ज़रूर रहती है। दूसरी और एक मिस्टिक क्रॉस की जो लाइन है वो भी कम्प्लीट मिस्टिक क्रॉस नहीं कर रही है, तो इस लाइन भी मार्स माइंड लाइन को काट कर नीचे जा रही है। तो ये दिखा रही है कि रिलेशनशिप में सच में बहुत ज़्यादा गहरा प्रॉब्लम है आपके। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये एक प्रॉब्लम माइंड लाइन से जुपिटर माउंट में फिंगर और मैरिज लाइन के एनालिसिस अभी बाकी है, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। यहीं पे ऑलरेडी हम लोग को तीन तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मिल गई आपकी रिलेशनशिप में। तो ये सारे रिलेशनशिप की इशूज आपकी हार्ट लाइन में दिख रही है। अभी आप लोग की माइंड लाइन कैसी है, छोटी है, छोटी माइंड लाइन बिजनेस करने की अच्छे इंडिकेशन होते हैं। छोटे माइंड लाइन इजीली बिजनेस एडोप्ट कर पाते हैं और बिजनेस में सक्सेस भी इन लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड लाइन आपकी शुरू हो रही है मार्स माउंट से,
तो मार्स माउंट से अगर शुरू होती है, ऐसे लोग अगर गुस्सा आ जाए तो ऐसे लोग गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी तो ऐसे लोग लड़ाई भी कर लेते हैं। तो ये जो और एक बैड इंडिकेशन है आपकी मार्स माउंट माइंड लाइन का, मार्स माउंट से शुरू होना, एग्रेसिव मंथ बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल है आपकी, तो थोड़ी बहुत गुस्सा आ जाने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और होल्ड नहीं कर पाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, मैन हैंडलिंग भी कर लेते हैं ऐसे लोग, उसी की इंडिकेशन आपके पाम में यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। लाइफ लाइन की देख लेंगे, लाइफ लाइन कैसी है। लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकल के इस तरीके से जा रही है जो एम्बिशन को दर्शाती है, अपने एम्बिशन काफ़ी अच्छी है उसी की इंडिकेशन दिख रही है। लाइफ लाइन की यहाँ से ये मार्स लाइन भी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा, कोई भी कभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो आपके सेहत के मामले में हो या फिर आपके कैरियर के पैसे के मामले में हो, ये आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, उसी की इंडिकेशन ये मार्स लाइन से हम लोग को पता चल रही है। लाइफ लाइन यहाँ से इस तरीके से जा रही है, लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस भी, असेंडिंग ब्रांच भी दिख रही है इस पाम में। तो पहले एज कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सी एज में क्या क्या लाइन निकल रही है। एक निकल रही है करीब करीब आपकी 29-30 इसी एज के करीब, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ लाइन की एक असेंडिंग ब्रांच इस एज के करीब निकल रही है, कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा, चाहे वो आपका हो सकता है कि रिलेशनशिप में अच्छी कुछ बात हो जाए या फिर आपकी कैरियर में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, या इस टाइम पीरियड में आप कोई एसेट बना रहे हैं, यही एक और एक अपॉर्चुनिटी आपकी आएगी करीब 41 के करीब, जहाँ पे और एक असेंडिंग लाइन है। इसी तरीके का डेवलपमेंट, करियर, रिलेशनशिप या फिर अपने एसेट बनाने का जो इंडिकेशन यहाँ पे फिर से आपकी एक आएगी 40 के करीब, यही इसी तरीके का और एक आएगी करीब करीब 50 के करीब, जहाँ पे और एक गुड न्यूज़ आपकी मन की इच्छा, ये इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं इसे, आपकी कोई दिल की इच्छा इस टाइम पीरियड में ज़रूर पूरी हो सकती है, उसी की इंडिकेशन है। तो ये सारे इंडिकेशन आपकी लाइफ लाइन में चल रही है, लेकिन लाइफ लाइन के एंडिंग पार्ट में एक बहुत बड़ी स्टार का फॉर्मेशन भी बन रही है। तो इस तरीके से लाइफ लाइन की जो ब्रांचेस निकल रही है, ये सारे ब्रांचेस निकल के एक बहुत बड़ी स्टार की फॉर्मेशन कर रही है। अगर लाइफ लाइन के एंडिंग पार्ट में ब्रांचेस आ जाए तो ऐसे लोग जनरली एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को। वो कौन सी पीरियड में होने के चांसेस आपकी पाम में दिख रही है एकदम एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी श्योरिटी कम होती है, लेकिन जो दिख रही है यहाँ पे जो राहु लाइन कट रही है और यहाँ पे एक राहु लाइन कट रही है, तो ये जो दो लाइन पीरियड कट रही है, एक करीब करीब 30 के करीब और दूसरी कट रही जो प्रेजेंट एज है चल रही है इसी के करीब, और ये जो कट रही है राहु लाइन ये और एक टाइम पीरियड में कट रही है, जो टाइम पीरियड होगी आपकी करीब करीब दिख रही है 37-38 के करीब। तो 30 और 37 ये दो एज पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संभालनी है, यहाँ से बहुत बड़ी राहु लाइन भी कट रही है इस तरीके से, तो ये दो एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ लाइन में, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन के एंडिंग पार्ट में स्टार है। ऐसा हो सकती है कि इस एज पीरियड में आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या इस एज पीरियड में आपकी कोई बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि इसी एज पीरियड के आपके दो दो मार्स लाइन सपोर्ट भी कर रही है, तो बहुत बड़ी कोई डैमेज कर पाएगा इसका आसार तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई डैमेज आपको कर नहीं पाएगी, ये प्रोटेक्शन लाइन भी यहाँ पे उसी वक्त में ख़राब ही है, दो दो प्रोटेक्शन लाइन। तो ये रही आपकी लाइन्स की भी एनालिसिस हो गई मेन लाइन की। अभी हम लोग करेंगे आपकी सवाल की ओर जाएंगे, आपकी रिलेशनशिप, पहले हम लोग देख चुके हैं यहाँ से नेगेटिव साइन, यहाँ से ये नेगेटिव साइन और जुपिटर माउंट से थोड़ी बहुत नेगेटिव साइन और गुस्से के ऊपर कंट्रोल ना पाना, ये एक साइन और माइंड लाइन की ये एक और एक ब्रांच, ये जो राहु लाइन की यहाँ से जुड़ रही है। तो ये जो दिख रही है कि माइंड लाइन का मार्स माउंट से शुरू होना, गुस्से के ऊपर कंट्रोल ना कर पाना, जुपिटर माउंट में यहाँ पर रिलेशनशिप इशूज़, हार्ट लाइन से फॉलन ब्रांच जो माइंड लाइन के ऊपर आ रही है वो भी दिखा रही है रिलेशनशिप इशूज़, सेकेंड फैलेंज जो फिंगर के हैं वहाँ पे ग्रिल साइन, ये भी दिखाती है कि रिलेशनशिप प्यार में इश्यूज आ जाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सारे दिखाती है। अभी चलते हैं हम लोग आपकी मैरिज लाइन के ऊपर। तो मैरिज लाइन आपकी कहाँ है, यहाँ पे है। मैरिज लाइन अगर देखेंगे तो मेन मैरिज लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है, ये और एक डिस्टर्बेंस है, इतनी ज़्यादा मोटी मैरिज लाइन कभी भी अच्छी इंडिकेशन नहीं होती है। और जो छोटी वाली है वो तो ऊपर की तरफ दिख रही है, ऊपर की तरफ अगर इस तरीके से फिंगर की तरफ दिखती हुई मैरिज लाइन हो वो बहुत ही ख़राब इंडिकेशन मानी जाती है। मैरिज लाइन को आइदर सीधी या फिर हल्की सी नीचे की तरफ हो जानी चाहिए, अगर वो इस तरफ ऊपर की तरफ दिखे तो ये नेगेटिव साइन होती है मैरिज लाइन में। तो इतना सारे नेगेटिव साइन रिलेशनशिप में दिख रही है, तो डाइवोर्स होना कोई आपके लिए ये कह सकते हैं कोई नामुमकिन, मतलब मुमकिन हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपकी डाइवोर्स हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली,
ये बहुत ही ज़्यादा आपकी पाम के हिसाब से नेचुरल थिंग है कि डाइवोर्स हो जाना। अभी आपकी फेथ लाइन में भी और एक चीज़ देखेंगे। फेथ लाइन हम लोग देखते हैं दो चीज़ के लिए, एक तो कैरियर और दूसरी रिलेशनशिप। आपकी अगर फेथ लाइन को देखेंगे, पहले एज कैलकुलेशन कर देता हूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगी आपके पाम में। तो आपकी फेथ लाइन कैसे चल रही है, ये इस तरीके से चल रही है, जो यहाँ पे कटा ये आपकी 35 इयर्स एज है, जहाँ पे ये रेड लाइन आपकी फेथ लाइन को कटी हो 35 इयर्स एज है। तो इस तरीके से आपकी फेथ लाइन चल रही है। तो आइदर ये कैरियर को चेंज, ये क्रिया होती है, ये लाइन ब्रेक हो रही है और एक लाइन नई शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पे टूट रही है, एक नई शुरू हो रही है, फिर से टूट रही है, फिर से एक नई शुरू हो रही है, फिर से टूट रही है, फिर से एक नई शुरू हो रही है। एक दो तीन जगह पे आपकी फेथ लाइन टूट के फिर से ओवरलैप होकर फिर से शुरू हो रही है। पहली की एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, ये 35 है, ये वाली आपकी 35 है, ये करीब करीब आपकी 30 होगी और ये करीब करीब आपकी 25 होगी, जो एग्जैक्ट दिखा रही है कि 25 इयर्स एज में आपकी फेथ लाइन में एक ब्रेक थी, ओवरलैप थी। ओवरलैप मतलब चेंज। तो वहाँ पे आप तो कोई काम नहीं करते थे, तो आपको वो काम में कोई चेंज नहीं दे पाए। उस टाइम पीरियड में आप प्रोफेशनल होते, कोई काम करते, तो उस टाइम पीरियड में आपका हो सकता था कि आपके काम में भी चेंज आए। तो आपको ये काम में तो चेंज नहीं दे पाए, तो इसने क्या किया, आपकी रिलेशनशिप में चेंज दे दिया। इस तरीके से सोचेंगे हम लोग। दूसरी जो आपकी वही एक सीनियरी फिर से बन रही है, वो करीब करीब बन रही है 30 इयर्स एज के करीब, जो आपकी अभी से लेके एक साल के अंदर आ रही है। आपकी अभी प्रेजेंट एज 29 है, तो करीब करीब 30 के करीब एक और एक सेम सीनरियो बन रही है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली, आपके बच्चे सिर्फ 11 मंथ के हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि आपको किसी भी तरीके से एक काम ढूँढना है अभी के अभी, और उसे करीब करीब 6-8 महीने करने के बाद छोड़ भी देना है और एक नई काम ढूंढना है। छोड़ना मस्ट है, पकड़ना ही है छोड़ने के लिए। तो उससे क्या होगी, आपकी जो फेथ लाइन की ओवरलैप है, जो चेंज दिखा रही है, आइदर ये करियर को चेंज करेगी या फिर आपकी रिलेशनशिप को चेंज करेगी। कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिशें ज़रूर करेगी, कर पाएगी कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उस तरीके का सिचुएशन बना भी रही है। ऑलरेडी आप उस सिचुएशन में आ भी चुके हैं जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत सेपरेशन की इंडिकेशन दिखा रही है, तो वो सीनरी फिर से बन रही है। इससे बचने के लिए आपको कोई ना किसी तरीके से काम ज़रूर ढूंढना है, और उसको कुछ दिन करने के बाद, 6-8 महीने करने के बाद उसे छोड़ देना है। तो ये आपकी जो ब्रेक है, ये काम की ओर चले जाएगी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा दे नहीं पाएगी, शायद इससे आपकी रिलेशनशिप बच जाए। यही सीनरी फिर से बनेगी आपकी 35 ईयर्स एज के करीब, तो वहाँ पर जाके फिर से आपको वही एक बात दोहरानी है, करियर, पिछला करियर छोड़ना है और नई कोई कामकाज ढूंढना है, नई कोई कामकाज शुरू करनी है। तो वहाँ पे जाके भी यही दोहराना है 35 के करीब, यही सिनेरियो, नहीं तो वहाँ पे भी आपकी और एक प्रॉब्लम आ जाएगी। शायद यहाँ पे बचा गए और वहाँ पे जाके वही प्रॉब्लम आने के कारण वहाँ पे भी वो रिपीट हो सकती है आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। तो मैं शायद आपको समझा पाया कि रिलेशनशिप में आपको क्या करना है आगे चल के। कैरियर को चेंज करना है तो रिलेशनशिप आपकी ठीक ठाक होने के चांसेस ही या ठीक ठाक रहने के चांसेस ही हम लोग को दिख रही है। और भी मैं बहुत आपको रेमेडी दूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल है, कीजिएगा ज़रूर। बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है और आपको भी होने के चांसेस बिल्कुल है, तो मैं आपको ज़रूर फॉरवर्ड कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा, उसे करिएगा उस हिसाब से। तो ये रही आपकी कामकाज की जगह। अभी आपकी थोड़ी कैरियर को देख लेते हैं। आपकी रिलेशनशिप की इश्यूज हम लोग देख चुके हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अभी थोड़ी कैरियर के बारे में जान लेते हैं, आपकी कैरियर कैसी हो सकती है। माइंड लाइन आपकी छोटी है, तो छोटी माइंड लाइन हो तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। अगर वो लोग जॉब करते हैं तो बहुत दिनों तक टिका भी नहीं पाते हैं और जॉब उनके चेंज हो जाते हैं या फिर उन लोगों की जॉब चली जाती है। अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो चली भी जाती है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। तो आपको बिजनेस करना है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है वो अल्टीमेटली मार्केटिंग की तरफ ही जा रही है। इसके अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को अगर क्लियरली ड्रॉ करके एक्सटेंड करेंगे, तो ये देखेंगे कि ये मार्केटिंग की तरफ जा रही है। तो मार्केटिंग की तरफ जाने वाली या मार्केटिंग की तरफ कोई ब्रांच भेजने वाली मार्केटिंग लाइन, ये क्लियर माइंड लाइन क्लियरली इंडिकेट करते हैं ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। उसके ऊपर आपके मार्केटिंग माउंट भी काफ़ी डेवलप है, तो आपको बिजनेस ही करना है। किस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं आप, आपके अगर ओवरऑल माउंट को देखेंगे तो हम मुझे जो लगेगा आपकी एग्रेसिव मार्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मार्स अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो तो आप लोगों को मार्केटिंग का काम अच्छा सूट करेगा,
किसी भी तरीके का फील्ड वर्क आपको अच्छी सूट करेगा, आपको सेल्स का काम सूट करेगा, आपको रियल स्टेट से ज़मीन से जुड़ी हुई कामकाज सूट करेगा। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारे चीज़ रहेगी जहाँ पे आपकी बिज़नेस अच्छी चल सकती है, तो उस तरीके का बिज़नेस आप ज़रूर कर सकते हैं, उसमें आपकी काफ़ी सक्सेस मिलने के चांसेस है, जितना सक्सेस हो सकता है। आपका पाम बहुत बढ़िया ए क्लास पाम नहीं है, वो मिडिल क्लास वाली पैटर्न की पाम है, तो उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलना या उससे थोड़ी अच्छी सक्सेस मिलने के, जो भी जितनी भी सक्सेस मिल जाएगी इस तरीके का काम करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगी आपकी पाम के हिसाब से। और बीच बीच में तो करियर चेंज करनी ही है, वो भी हम लोग बता चुके हैं कि बिज़नेस मोड चेंज कीजिएगा, आज इस चीज़ का करीब करीब कुछ दिन छोड़ के दूसरी कोई बिज़नेस शुरू कीजिए, या फिर आप इस टाइम पीरियड में एक जॉब ढूंढ लीजिए जो आप छोड़ के करीब करीब एक 6-8 महीना करने के बाद छोड़ के अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके का ढूंढिए, इस तरीके का काम में चेंजेस लाने में आपकी रिलेशनशिप भी बच जाएगी, आपकी करियर भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहेगा। तो आपकी अभी करियर हम लोग बात कर चुके हैं, अभी थोड़ी आप लोगों की फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस कैसी है आपकी? अपर अमाउंट की जगह तो एक कम मिल रही है, और अपर अमाउंट को जगह भी हम लोग कम मिल रही है, और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत कोई भी लकी साइन हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, एक हल्की सी ट्रायंगल साइन सन अमाउंट में थी। तो ये सारे जो चीज़ है, फेथ लाइन भी 1-2-3-4 बार टूट रही है, उसके बाद ही ये कम्प्लीट हो पा रही है और जा पा रही है अपनी जगह पर सटन की ओर, वो भी पूरा नहीं जा पा रही है। तो ये सारे सिचुएशन हम लोगों को ये दिखा रही है कि मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ही आपकी रहेगी, उस तरीके का फिनंस ही आपके लिए रहेगी, लेकिन उसको भी बचा के रखने में, उसको भी कंटिन्यू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पाम नैरो टाइप के पाम है, रेगुलर चीज़ों के लिए भी ज़रूरतमंद जो रेगुलर ज़रूरत होती है उस चीज़ों के लिए ऐसे पामों को लड़ना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ रहेगी जहाँ पे फिनंशियली आप बहुत ज़्यादा साउंड तो नहीं रहेंगे, लेकिन काम चला पाएंगे, बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। उससे आपको ऐसा भी हो सकती है कि धीरे धीरे आपकी हालत सुधरती भी जाए, और लाइन वगैरह और पाम की जो माउंट है उसमें और सुधार टाइम टू टाइम आ जाए, आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है। काम करने के द्वारा जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, पाम में भी काफ़ी मांस आती जाती रहती है, तो उस तरीके का डेवलपमेंट भी आपके आगे चल के ज़रूर हो सकती है। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस, आगे चल के एक नई पाम लाएंगे। और मेरी चैनल देखने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। अगर आप खुद का पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देखिएगा, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप डिटेल नंबर दिया हुआ है, फीस डिटेल भी दिया हुआ है, उससे देख के मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं।